छर गया लोगों की शाही को कई बंदे दीन बचा गए वाक्या सच्चा तरीके छर गया लोगों की शाही को कई बंदे दीन बचा गए उन्होंने बंद कुत्ता हाथ सिर कुरान जा गए कुत्ते की फितरत भौंकला है चुप करके साई बचवा गए काफी है सलवात पढ़ना आज इबादत है सलवात रल के ऊंची आवाज नाल दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए मेरे मालिक के जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के आदम नवाज था मेरे मालिक मुस्तकबिल में इस मजलूम कौम को दहशतगर्दी के अजाब से महफूज करें इमाम हुसैन बाद सरकार अजादारों की हिफाजत फरमाए बंदा वसीयत अमीन ना के हो ही सकता इस दौर की दुआ मंगवाना आखिरी दुआ है अमीन कहना और अमीन कह के सवाब में शरीक हो जाना बंदा इस मजमे में कोई ऐसा ना हो जो अमीन कह सकता हो और वो बंदा इस दुआ में अमीन न कहे मेरे मालिक हम वारिस के होते हुए वारिस हैं मालिक हमको निगारों को पलते वाले वारिस की इजाजत नसीब करें बड़ो सलवात रब की ऊंची आवाज इस दिन सबके वो सलवात ही नौकर पढ़ सकते ऊंची आवाज में पढ़ना इजाजत है ना अप्रिशिएट कीजिए सदा सुखी रहो सदा सलामत रहो सदा आबाद रहो सदा शाद रहो सिवाय तुम्हें मजलूम के हर गम से महफूज रहो भाईजान को हुक्म जनाब की सिर्फ इजाजत नसीब हो गई करोड़ गुना बेहतर पढ़ने वाले मेरे से पहले पढ़ गए मेरे बाद मुझसे करोड़ गुना बेहतर पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे इज्जत भरी मजलिस मेरे से पहले जारी थी मेरे बाद जारी रहेगी बस सिर्फ हाजिरी लगवानी है कोई जाती दावा नहीं बाकी की ऐसी मौजूद हूँ दिल चाहता है थोड़ा सा वक्त आप कर लिया जाए और दूसरा साल है मैं मेरे ख्याल नाराज भी ना हो गए साढ़े नाल शायद पूरा साल इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी इतने होती है दूसरे साल देते हाँ इतने पानी आखिरी दावा कोई नहीं इजाजत लेके नौकरी शुरू की है बिरावान दुख मई चार में सिर्फ पढ़ के थोड़ा माहौल भेजते हैं माहौल हो तक परसों नहीं देता हूँ सलाम कर मैं बादशाह ला के बैठे मेरे बात पर्सन सिर से मैं मेरी गलत करे पहले भी सर तुम्हारे हवाले करूँ नदामत आँख में होती है चेहरा जर्द होता है शुरू कर दिया मेरी बॉडी लैंग्वेज ने आपको बता दिया कि मैं थोड़ा पढ़ना मेरा सफर लंबा है दुआ करना हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती हर बंदा हर बात का खरीदार हो ही नहीं सकता एडा वड्डा मजमे एडी सोनी दाद से दुआए बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से एक मिसरा मैंने पढ़ दिया भरपूर आपने मुझे दाद भी दे दी दुआ भी दे दी बनती थी मैंने ले ली चौथे मिसरे पे कम अज कम हुसैन का जाकिर समझो मेहमान समझो बेटा समझो छोटा भाई समझो या जाकिरीन की दुनिया का नालायक बरदार समझो ये मेरा मिंबर के खिलाफ में हाथ है तुम में से आला आजादे को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूँ चौथे मिसरे पे मेरा हक बन जाए तो मेरा हक रखना नहीं हक ना बने तो बोलने नहीं बुजुर्ग सोनी दुआ पे देने जड़े जवान बिना बैठे हो इतने बोलते तो कितने बोल सो बोलने से मजबूर ना पे करना ओ पहले जवान तो रह के ओ जड़ा आखिरी जवान अराली करो तो मालिक सारे ने वस्ते रखन सारे ने टूटा है कबूल हो गई जिथे पहले तो गिर गए वो आखिरी ताई बोलने से मजबूर ना पे करना मुल्क की हालात अब सबके सामने है बम धमाके बम बड़ा सब कुछ आपके सामने है चौथे मिसरे पे इस बात पर मजबूर करूँ कि हाथ दिल पे रखना जवान बिरादर बैठे हो
और ये दिल कहे तो बोलना, दिल ना कहे तो बोलने की जरूरत ही नहीं। सभी कितना आप शायरी से वाबस्त हैं, चौथे मिसरे का वजन कीजिएगा, जड़ जमान मेरा बैठे हो, ये माफी मांग के कह रहा हूँ। नदामत आंख में होती है, चेहरा जर्द होता है, विलायत पर मुनाफिक का रवैया सर्द होता है, और अली वाले तो करबल से कलंदर तक यही समझे, हुसैनियत से जो उलझे वो दहशत गर्द होता है। अली वाले तो बस इतना ही, मैंने और पढ़ने को तुम्हें सलाम करूं, अली वाले तो करबल से कलंदर तक यही समझे, हुसैनियत से जो उलझे वो दहशत गर्द होता है। हुसैन एक लोगों के लिए आ रहे सहमे हुए, सहमे सहमे उर्दू तो का लफ्ज है, सहमे हुए मतलब डरे हुए, जितनी मेरी बनती है। नदामत आंख में होती है, चेहरा जर्द होता है, विलायत पर मुनाफिक का रवैया सर्द होता है, अली वाले तो करबल से कलंदर तक सलवात पढ़ना जी इबादत है, सलवात ऊंची आवाज ना ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے میں ٹرائی تمہارا نہ بولن دی یار کوشش تے کرنے کیوں پریشان بیٹھے ہیں علی والے تو کر سچا کھلاڑی چپ ہوے تے کام نہیں ہوندا تھوڑی کوشش میں نال کیتی ہے علی والے تو کربل سے کلندر تک یہی سمجھے حسینیت سے جو الجھے وہ دہشت گرد ہوتا ہے بابا جی زندگی گزر گئی امام حسین پاک سرکار کی ازداری کرنے ہیں زندگی گزر گئی مولوی مدد علی کرنے ہیں سبھی انکل آپ شاید کا لوگ ہو بات میں یہ سمجھانے جا رہا ہوں بھائی جان لفظ ہے سہمے ہوئے اس کا مطلب ہے ڈرے ہوئے بڑے بڑے بندے بڑے بڑے حکمران اپنے بیانات دے رہے ہیں اعلانات کر رہے ہیں ایک بار شیعوں کے بارے میں امام مہدی کو آنے دو ہم خود اس سے جنگ لڑیں گے تو پیدا شیعہ گھر میں ہوا ہے بات کو سن کے سمجھ کے پھر تو چپ کر جائے یا میں یہاں آئے نہیں یا میں بات نہیں سمجھا سکا بڑے سے بڑے حکمران یہ دعوے کر چکے ہیں ایک بار میں نے دیکھی شیعوں کے بارے میں امام کو آنے دو ہم خود اسے جنگ لڑیں گے جھولی چاہیے کڑا قبر کی رات تک اس بندے کا لیے پاس اس کے لیے پہچان ہوگا جسے کل چوتھا مصرع سمجھ آئے میں بولا میں سمجھوں گا میرے سے کی نوکری ہو گئی میں نے کلم اپنے پاس ایک تین صاحب لوگوں نے دعوے کر دیے شیعوں کے میں نے دیکھی شیعوں کے بارے میں امام کو آنے دو جسے آتا ہے علی کا نام جسے بات ہے علی کا نام سر چاہے میری گل کا وزن کرے شیعوں کے بارے میں امام کو آنے دو ہم خود اسے جنگ لڑیں گے جنہوں نے اعلان کر دیے میں شیعہ سنی دونوں دھڑے کا نوکر بن کے یہ اسپیکر پہ منہ رکھ کے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں زمانے والوں انوار کی مالاؤں کو پیتل سے جڑیں گے الجھیں گے تو پھر موت کے پاؤں میں پڑیں گے او کمبخت قبیلے پہ ہنسی آتی ہے مجھ کو مختار کے سہمے ہوئے قائم سے لڑیں گے میں صدقے اللہ ان ہاتھوں میں کسی کمینے کا مرباز نہ کرے جیسے اندر یعنی ہاتھوں سے مختار کے سہمے ہوئے قائم سے لڑیں گے میں نے کہ مختار کے تھکا نہیں ہوں بھولا نہیں ہوں
आपको सोई के सबक के फिर सब कर जाएगा। और जमाने वालों मुख्तार के सहमे हुए कायम से लड़ेंगे। मैं मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूं, मजहरे कहरे खुदा बंद का पर्दा जो हटा, अक्से तौहीद का अकाश भी आ जाएगा। और बिनते सरवर से पदक छीनने वालों सुन लो, सिर्फ कायम नहीं अब्बास भी आ जाएगा। जी 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 सब दिख रहे तो अब से हार गई जी मैच लग गया जी मैच लग गया बिन के सरवर से पदक छीन जी बिन के सरवर से पदक छीनने वालों सुन लो, सिर्फ कायम नहीं अब्बास भी आ जाए, सिर्फ कायम नहीं अब्बास भी आ जाएगा। इतनी पढ़ना है मुझे, मैं तुम्हें सलाम करूं, सिर्फ कायम नहीं बाबा जी दुआ फरमा किबला, सिर्फ कायम नहीं अब्बास भी आ जाएगा। सुनना है समझना है, बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से बात समझ आए तो बोलना है, सिर जानी त्रिगड़ा थी मेरे बस देखी बाबा जी। जिस बाप के घर औलाद ना हो ना, वो बाप जो अपने हाथ फैलाता है और हाथ फैला के दुआ मांगता है, मेरे अल्लाह मेरे घर बेटा नहीं है, तू मुझे बेटा दे। एक बार जवान टटोलिया अपने आप में, यार मैं बैठा मैं गल सुन के समझ के बाद चुपा, मैंने कुछ होया तो नहीं। एक बार टटोली थी अपने मोहन तो निकली, जिस बाप के घर औलाद न हो वो बाप अपने हाथ फैलाता है। बाबा जी फजीलत शायद इस पर बड़ी गल मेरी गुफ्तगू हो गई नहीं, और हाथ फैला के कहता है मेरे अल्लाह मेरे घर बेटा नहीं है, मेरे अल्लाह तू मुझे बेटा दे। बाप अल्लाह से कहता है मेरे अल्लाह तू मुझे बेटा दे। कि भला एक बाप ऐसा भी है जिससे अल्लाह ने कहा है अस्करी ये बेटा मुझे दे। जी 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 बड़ी मेहरबानी आ जाता हूँ चौबे। एक बाप ऐसा भी है जिससे अल्लाह ने कहा है अस्करी ये बेटा मुझे दे। अस्करी मालिक ने अपने बेटे को हाथों में बुलंद फरमाया और हाथों में बुलंद करके कहा मेरे अल्लाह ये तेरा बंदा है, तेरा अब्द है, तेरी मखलूक है, तू ले ले, मेरे मालिक तूने दिया है तू ले ले, तू करेगा क्या। अल्लाह फरमाते अस्करी अपना बेटा मादी मुझे दे तो सही, इसे अपने पर्दों में छुपाऊंगा, ऐसी परवरिश करूंगा तेरे बेटे की। यार टटोली सही मैं पढ़े के वे दूसरे के वे, ऐसी परवरिश करूंगा तेरे बेटे की, इसे अपने पर्दों में छुपा के इतना ताकतवर बनाऊंगा तेरे बेटे को, जब ये आ जाएगा फिर हालात तेरा बेटा कुछ ऐसे कर देगा, दुश्मन हो फलक पर तो बुला लेगा जमीन पर। जब ये आ जाएगा, जब ये आ जाएगा हालात यूं कर देगा, दुश्मन हो फलक पर तो बुला लेगा जमीन पर, दुश्मन हो फलक पर। यार मैं बड़ा परेशान कर रहा हूँ, दुश्मन हो फलक पर तो बड़ी मेहरबानी यार, दुश्मन हो फलक पर तो बुला लेगा जमीन पर। अस्करी मालिक ने फरमाया है मेरे अल्लाह ये मेरा बेटा इस ताकत का मालिक होगा, इतनी इसके पास ताकत होगी कि दुश्मन हो फलक पर तो बुला लेगा जमीन पर। अल्लाह ने कहा अस्करी यूं न कह, अस्करी मुझे मजबूर न कर, जब ये आ जाएगा ना फिर हालात यूं कर देगा, दुश्मन हो फलक पर तो बुला लेगा जमीन पर, मुर्दों को भी कब्रों से निकाल लेगा जमीन पर, जब चाहे खजानों को उछाल लेगा जमीन पर, फिर अपने मलंगों को भी पाल लेगा जमीन पर, फिर अपने मलंगों को भी पाल लेगा जमीन पर, फिर अपने मलंगों को भी पाल लेगा। भाई जी नाराज ना हो गया है, तुम महीने सुनते पे हो टीवी ना पे तब ये मैं बोलता मुझे तो चुप बने, जब मैं जोर पे ना तो थोड़ी कोशिश करी मेरे नाल, दुश्मन हो फलक पर तो बुला लेगा जमीन पर। और जबान में फायदे को नहीं जो मार गली मोहल्लों में बोल रही है, जिक्र हुसैन ने बैठ के हाथ उठा के हुसैन को सलाम न करे, अस्करी मुझे मजबूर न करे, जब ये आ जाएगा हालात ही कुछ ऐसे कर देगा, दुश्मन हो फलक पर तो बुला लेगा निकालेगा जमीन पर, जब चाहे खजानों को उछालेगा जमीन पर, फिर अपने मलंगों को भी पालेगा जमीन पर, जहरा के अदू को कहीं जाने नहीं देगा, दादी का नमक गैर को खाने नहीं देगा। दादी का नमक गैर को खाने नहीं देगा, मेरा दामन भर गया।
मैं तुम्हें यहीं पर सलाम कर देता, मैं 6वीं सलोर पढ़ रहा हूँ। जहरा के अदू को कहीं जाने नहीं देगा, दादी का नमक गैर को खाने नहीं देगा। अल्लाह फरमाते हैं अस्करी इतना ताकतवर बनाऊंगा तेरे बेटे को जब ये आ जाएगा, जब ये आ जाएगा। मेंबर हुसैन के ऊपर हाथ रख के कह लूंगा ये बात, अस्करी मर तो सकता था लेकिन ये कीमती मोती तुम्हें देता कभी ना अगर तुम्हारे अंदर विलायत का जोश और जादू ना होता। सेल चाहिए देख लिखे में सैन रमदन करी जब ये आ जाएगा। बाबा जी पहला मिश्रा नहीं कयामत इतना ताकतवर बनाऊंगा तेरे बेटे को जब ये आ जाएगा। काबे की छत पे उतरेगा, काबे का किबला, और कहेगा जमाने वालों मैं आ गया, हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए। अंकद जी मैंने तो कदम में गुजारिश की है, कहा धर्म तो करी नहीं होती, फितरत का तकाजा है, हर बंदा हर बात का खरीदार होता ही है। एडा बड़े मजमे कोई एक खरीदार हो जूती मेरा सलाम में मैसेज करा दिया, चलो एक बंदे मेरी गल समझ गया। जब ये आ जाएगा काबे की छत पे उतरेगा काबे का किबला और कहेगा जमाने वालों मैं आ गया, हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए। सफीर अंकल तीसरे मिसरे का वर्णन कीजिएगा। न भुले आए, न भुले आए, न भुले आए, न दाद दे आए, न नाले लवे आए, लम्हे वास्ते अपनी अख मेरी अख पवे आए। थोड़ी अख मेरी अख आ गई, थोड़ा दिल तो नाले अली करन दे मजबूर कर सी, अखा किस नाई तेरा अपना मुकद्दर मेरा अपना नसीब, अपनी अख मेरी अख च कौन ये बोलन दे मजबूर ना पे करदा। आ जाएगा जब काबे की छत पे उतरेगा काबे का किबला, कहेगा सफीर अंकल कहेगा जमाने वालों मैं आ गया, हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए। है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए, लड़ना तो बहुत दूर है बस नैन मिलाए। सदके सदके जी 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 मैं सदके बन जाऊं, मैं आ गया, हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए। है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए, लड़ना तो बहुत दूर है बस नैन मिलाए। फरमाएगा हिम्मत है किसी में तो मुझे हिल के दिखाए। कब्र की रात तक उस बंदे का ये वास असली में आसान होगा जिसे अगर तुम्हें समझ आए और वो बोला मैं समझूंगा मेरे से की नौकरी हो गई। हिम्मत है किसी में तो मुझे हिल के दिखाए, जमाने वालों मुझे पहचानो मैं आ गया, मिट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा, मालिक है जो मिट्टी का वो दादा है हमारा। वो बीबी राजी नहीं होती जो दूर से आती है देर से जाती है। भाई हमने मोहब्बत आई पेट्रोल बनना चार जाकिर मेरे डैमेज पड़ गए, बुजुर्ग का भी हुक्म आई नाल पीछे जाकिर दावा कोई नहीं, मैं सिर्फ दो जुमले मसाए। मकसद सिर्फ इतना है वो बीबी राजी हो जाए जो शाम से आई हुई है। चार मिसरे पढ़ता पे माहौल होया तब एक ये दूर गए थे मैं पढ़ने, ना माहौल होया तो चौथे में सितम सलाम कर रहा था। सितम नसीब हवाओं को टाल देता है, मुसीबतों की बलाओं को टाल देता है, और कहा हुसैन से जैनब ने आम को ले जा, सुना है सदका बलाओं को टाल देता है। रो नहीं गल सुनो इसका हवेली रसूल घर के सैन में खड़े थे, काफला बिल्कुल तैयार था। रवानगी से चंद लम्हे कब नाराज न हो तुझके मीर हो चौधरी हो बड़े लोगों सरदार हो कुरान दिशा हुसैन तोड़ा सुल्तान है कोई ना लतीश कायनात दे जड़े भैन दे ग्राह बैठे हो सिर चाओ एक बारी भैन ग्राह दी मोहब्बत देखो। रवानगी से चंद लम्हे कब बाबा जाके चल के लोगा पा मालिक बस तेरे खन हुसैन करके सैन में खड़े थे। ज़ैनब आलिया अली की अली बेटी शाम की कैदन हुसैन के करीब आई, हुसैन का दामन हिला के फरमाती है भाई हुसैन मैंने सुना है तुम सफर में जा रहे हो,
क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? बाबा जी वो बंदा पत्थर बड़े वाजड़े इस गल ते मातम करे सी नाई करे सी, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? हुसैन बहन ज़ैनब के सर पे हाथ रखे रोके फरमाते हैं, ज़ैनब मेरी मजबूरी है, इराक का रास्ता गर्मी का सफर, मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है तुम्हारा शोहर अब्दुल्ला बीमार है, जब तक अब्दुल्ला मुझे इजाजत ना दे मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। लेकिन ज़ैनब ये बात तो मैं भी जानता हूँ, मेरे बगैर दीन नहीं बचता, तेरे बगैर मैं नहीं बचता। सदके 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 एक मंजिल बतानी तेरे में सलाम पे कर रहा तेरे उसमें यार, मेरे बगैर दीन नहीं बचता, तेरे बगैर मैं नहीं बचता, मगर ज़ैनब मेरी मजबूरी है, अब्दुल्ला ने इजाजत न दी तो मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाते भैन के बराबर डे सिर्फ सब सिर्फ मोहब्बत लिखा। ज़ैनब आलिया ने बात सुनी हुसैन की, भाई के सामने हाथ बांध के फरमाती हैं ये लफ्ज कह के जेड़े भैन के बराबर बैठे हो, अच्छा भाई हुसैन मैं घर जाती हूँ जाके अब्दुल्ला से इजाजत लेती हूँ, अगर अब्दुल्ला ने इजाजत दे दी तो मुझे साथ लेते जाना, इजाजत न दी तो मेरा जनाजा पढ़ते जाना। ये रो करी अपनी मर्जी, ये कह के अली के अली बेटी चली यहाँ घर के अंदर दाखिल हुई, मक्तल की किताबें पढ़ के देखना, मक्तल की किताबें में लिखा है अब्दुल्ला उन दिनों में साहिब फिराज थे, अब्दुल्ला बीमार थे, ज़ैनब आलिया चलती चलती अब्दुल्ला के बिस्तर के करीब आई, अब्दुल्ला अपने बिस्तर पर सो रहे थे, पहले कुछ देर ज़ैनब आलिया खड़ी रही, फिर पहली बार अबू तुराब की बेटी तुराब पे बैठी, ज़ैनब के सर से चादर उतरी, आराम से मैंने पढ़ दिया, आराम से तुमने सुन लिया, ज़ैनब के रोने अमीर बंदा जैसा ही नहीं करनी, ज़ैनब के रोने की आवाज अब्दुल्ला के कानों तक गई, अब्दुल्ला अपने बिस्तर से उठे, ज़ैनब की तरफ देख के रोके फरमाते हैं, ज़ैनब भाई हुसैन के साथ जाने की इजाजत देने के लिए आई हो? भाई हुसैन के साथ जाने की इजाजत देने के लिए आई हो? ज़ैनब ने रोके कहा अब्दुल्ला मैंने कहा ही नहीं, आपको किसने बताया? अब्दुल्ला ने रोके कहा ज़ैनब तेरा मिट्टी पे बैठना बता रहे, तू गरीब हो गई है, ज़ैनब तेरा मिट्टी पे बैठना बता रहे, और बंदा ही बड़ा अमीर है जिसने मातम करने में हाय करनी है, ज़ैनब तेरा मिट्टी पे बैठना बता रहे, ज़ैनब तू गरीब हो गई है, ज़ैनब मेरी तरफ से इजाजत है, चली जा हुसैन के साथ, अपने साथ ऊंट चाहिए ऊंट ले जा, भेड़े चाहिए भेड़े ले जा, बकरियां चाहिए बकरियां ले जा, सोना चाहिए सोना ले जा, चांदी चाहिए चांदी ले जा, बेटे चाहिए बेटे ले जा, बेटियां चाहिए बेटियां ले जा, बच जाए तो माँ की चादर ले जा, बच जाए क्या सुन के रोना चाहते हैं मुझे नहीं पता, मंजर के बड़ा जहन बच जाए तो माँ की चादर ले जा, चले हमारे मुरीद में चले जो चाहे अपने साथ ले जा, लेकिन खुद भी चली जा, लेकिन रहना मुझमें एक मेहरबानी कर, जितनी देर मेरे घर में है किसी पलंग पे बैठ, किसी चारपाई पे बैठ, किसी तख्त पे बैठ, ज़ैनब किसी ऊंची जगह पे बैठ, यूं मेरे घर मिट्टी पे ना बैठ, ऐसा ना हो तू मेरे घर मिट्टी पे बैठी हो, तुझे बुलाने के लिए अब्बास आ जाए। सदके सदके जी 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 मैं जी जी मैं सदके बन जा, जी मैं सदके बन जा, ऐसा ना हो तू मेरे घर मिट्टी पे बैठी हो, मुझे तो मैं तन सलाम कर रहा हूं, तुझे बुलाने के लिए अब्बास आ जाए। बाबा जी ये बात हो रही थी, अकबर ना फिर हुआ अब्दुल्ला के कदमों पे हाथ रखे, सिर जा मेरे पास देख, देन इस मंजर बना तुमने, मैं तेरे हवाले पे करता। अब्दुल्ला के कदमों पे हाथ रखे अकबर ने और हाथ बांध के कहा, चाचा अब्दुल्ला मुझे बाबा ने भेजा है, इजाजत है मैं कुबी ज़ैनब को अपने साथ ले जाऊं? बंदा माफी मंगे ली दिया धियां तो जड़ा मातम करे ना, बहुत अच्छा थी अब्ला। अकबर ने कहा मुझे बाबा ने भेजा है, इजाजत है मैं कुबी ज़ैनब को अपने साथ ले जाऊं? अकबर को सीने से लगा कि अब्दुल्ला ने रोकेगा, अकबर जाके बाबा से कहो चाचा अब्दुल्ला कह रहे हैं जिसे चाहे अपने साथ ले जाए, अकेला अकबर ना लेके जाए, तारीख को पता तो चले ज़ैनब कभी तो आबाद थी। मैं सदके बन जा, मैं सदके बन जा, तारीख को पता तो चले ज़ैनब कभी तो आबाद थी। दूसरा पैगाम, अकबर जाके बाबा से कहो यहाँ पे आए एक लम्हे के लिए मेरी बात सुने। अकबर वापस आए, हुसैन को पैगाम मिला अकबर की जुबान से अब्दुल्ला का, अकबर ने आके कहा बाबा आपको चाचा अब्दुल्ला बुला रहे हैं। घर मान के बहनों को पूछा है, बहन सारा साल नाज करती है मान करती है, मेरे इतने भाई मुझे लेने के लिए आए थे, मेरे इतने रिश्तेदार मुझे लेने के लिए आए थे। हुसैन को पैगाम मिला, अकबर ने आके कहा बाबा आपको चाचा अब्दुल्ला बुला रही है। हुसैन फरमाते हैं हाशमी हो जाए हाशमी हो जाए नब्बी कभी तारीख में नाज करे, 18 हाशमी ज़ैनब को लेने के लिए चले, 18 हाशमियों के साथ बंदा ली दिया दिया तो माफी मंगे, जरा सुन के समझ के नमातम करे नहाए करे। हुसैन 18 हाशमियों के साथ चले, पहला कदम आया अब्दुल्ला के घर के अंदर, हुसैन ने सामने देखा अब्दुल्ला सो रहे थे, हुसैन चलते चलते अब्दुल्ला के करीब आए, अब्दुल्ला की पेशानी पे बोसा देके ज़हरा के लाल ने रोके कहा अब्दुल्ला तुम्हारा पैगाम मिलना, मैं ज़ैनब को लेने के लिए आ गया, अब्दुल्ला तुम्हारी इजाजत है मैं ज़ैनब को अपने साथ ले जाऊं? अब्दुल्ला ने कहा अली का लाल एक बार मुझे उठा। हुसैन ने उठाया अली का लाल, मुझे दरवाजे पे ले जा। हुसैन दरवाजे पे ले गए, दरवाजे पे जाके अब्दुल्ला ने शाम की मलका को बुलाया, शाम की मलका करीब आई, ज़ैनब का हाथ पकड़ के अब्दुल्ला ने हुसैन के हाथ पे रखा, हुसैन के हाथ पे रखे फरमाते हैं तुम्हारा माल है तुम्हारा तर्क है तुम्हारी बहन है तुम्हारी इज्जत है, मैं मना नहीं करता अली का लाल मेरे जरूर जा, पर इमाम बन के वादा कर जितने लेने आए हो उतने
छोड़ने आओगे जी।